बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1977 की ऐतिहासिक जनता पार्टी से जनसंघ के अलग होने के बाद केवल बीजेपी ही अपने सिद्धांतों पर अड़िग रही, जबकि दूसरे धड़े के लोगों ने अहंकार और सत्ता मोह में सिद्धांतों को इतना तोड़ा छोड़ा कि अब उनके टुकड़ों को भी गिनना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिद्धांत से समझौता किया होता तो न जम्मू में 370 खत्म होता और न करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी मिलती और न ही राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं दूर होती। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी ने गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत कूड़ेदान में डालकर राबड़ी देवी की सरकार चलाई और घोटाले किए। समाजवाद को विकृत कर परिवारवाद में बदलने वाले लोग आज किस सिद्धांत की राजनीति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने जो राजनीति डॉक्टर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के विरुद्ध जेपी आंदोलन और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के आंदोलन से शुरू की थी, उस सिद्धांतों को तिलांजलि देकर सत्ता और संपत्ति के लिए किए गए शर्मनाक समझौतों के गर्त में डूब गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय अपने शासनकाल में घोटालों की झड़ी लगा दी। उनकी पार्टी के 15 साल सीरियल स्कैम में चलते बिहार का शर्म साबित हुए। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा था कि आरजेडी कभी भी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि अगर आरजेडी नीति और सिद्धांतों से समझौता कर लेता तो आज मुख्यमंत्री आरजेडी का होता। तेजस्वी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कभी अपनी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और नहीं करेंगे। आरजेडी ने सिद्धांतों से समझौता कर लिया होता तो सुशील कुमार मोदी जिस पर हैं उसी पर होते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बल्कि आरजेडी का कोई नेता होता। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।